नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रकार का नेक डिज़ाइन बनाएंगे और ये ब्लाउज का स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये नेक का डिज़ाइन बनाना, इसमें हम किस प्रकार इसको नया लुक दे करके एक अच्छा डिज़ाइनर ब्लाउज बना सकते हैं और फिर इसका हम सिलाई करेंगे। तो ये जो है वो हमारा ये कंबाइंड स्लीव्स है, इसमें हम स्लीव्स और आर्म होल नहीं बनाए हैं, ये दोनों जॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमने, और इसका कटिंग का वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर करना ना भूलें मित्रों। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका हम दिल से धन्यवाद कहते हैं, आपने हमको देखा, हमारे डिज़ाइंस को पसंद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस प्रकार बनाना है। तो ये प्लेन फैब्रिक में हम इसका डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप पहले इसको प्लेन फैब्रिक को बिछा देना है, उतना लंबा रखना है जिसमें आपको फ्रंट और बैक का डिज़ाइन जो है इस प्रकार से आप बिछाएंगे तो निकल आए, ठीक है। इस प्रकार से आप बिछा देंगे, इसके ऊपर में सीधे तरफ आप ये वाला कपड़ा को रखेंगे जो आपका मेन फैब्रिक है, और प्लेन फैब्रिक को नीचे में रखेंगे। इसके बाद आप इसको या तो चिपका सकते हो, है ना, जगह जगह से आप इसको चिपका सकते हो, या तो फिर इसको स्टेपलर इस प्रकार से कर सकते हो, जहाँ पर आपका सेंटर है वहाँ पर ये इस प्रकार से, ताकि इधर उधर ये सरक ना पाए और स्टिचिंग करते वक्त आपको सुविधा हो। ये इस प्रकार से दोनों स्लीव्स जो है यहाँ पर जॉइंट नहीं रहेगा, ये अलग तरह का ब्लाउज है मित्रों। ये इस प्रकार से हमको सुविधा हो इसलिए हमने पहले इसको स्टेपलर या सुई धागे से इसको अटैच कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर अभी इसको हम सिलाई करेंगे। अब ये स्टेपलर ये करने के बाद इस प्रकार से इसको सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से कपड़े को चेक कर लें, ये सही बैठा है कि नहीं। कोने में आने के बाद इसी प्रकार डिज़ाइन को करेक्ट बनाने के लिए आप इसको प्रेशर फुट को उठा दीजिए, फिर उठा करके घुमाइए इसको। कलर नहीं हो रहा है, वो आवाज़ नहीं आ रही मशीन का, नहीं कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, पैसा दे दिया।
इसी प्रकार जैसे इधर को सिलाई किया है उसी प्रकार पूरे राउंड में यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ तक पूरा। अब इसको निकाल देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर में उसको निकाल देते हैं। अब इसमें हम बुकरम लगाएंगे, तो बुकरम लगाने के लिए इसको इस प्रकार रखिए, और आपको उतना ही बुकरम लेना है जिसमें फ्रंट और बैक नेक का डिज़ाइन पूरा आ जाए इसमें। तो हम इसको इस प्रकार बुकरम को रखेंगे, जो अपना नेक है उसको भी इस प्रकार से रखेंगे, ये इस प्रकार से। और ध्यान दीजिए मित्रों, ये जो सिलाई है उसके इस पार लगानी है हमको सिलाई, आगे लगाएंगे हम इसको। अब इसको अस्तर को, ये बुकरम को नीचे रखने के बाद ये वाला फैब्रिक को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर इसको, और जहाँ हमने एक सिलाई लगाई है ये उसी के जस्ट नीचे हम एक सिलाई लगाएंगे, ये बुकरम को इसमें फिट करने वाले हैं। ये इस प्रकार से इसको जमा लीजिए। ध्यान रखें, इसका डिज़ाइन नहीं तो फिर बिल्कुल गलत हो सकता है। इस प्रकार से सिलने के बाद इसको पलट देंगे। इसको उलट करके फिर इसमें एक इंच का इस प्रकार से निशान बनाएंगे। ये इस प्रकार से, और इसको कट कर देंगे, और यहाँ से हम इसको एक इंच का बिल्कुल ये में यहाँ से कट करेंगे, और ये जो पिंक वाली लाइन है उसको कट करेंगे। अभी इधर आउट लाइन को कटिंग करने के बाद इसको इस प्रकार करके इसकी कटिंग करेंगे।
पूरे बिल्कुल किनारे से इसको पूरा कट करना है। देखिए मित्रों, इसको इस प्रकार से कट करते जाएं। अब ये कोनों कोनों में यहाँ पर ऐसे हल्का हल्का कट्स लगा दें। अब ये किनारी में कट लगाने के बाद इस प्रकार से आपको सिलाई वाली लाइन को छोड़ करके बाहर आपको इस प्रकार से कट्स लगाने हैं। फिर इसको उलट देंगे। और ये कपड़ा को हम इस प्रकार फोल्ड करके फिर इसकी कटिंग कर देंगे। उतना ही कपड़ा रखेंगे जितना हमको इसको पैक करना है। यदि आपको असुविधा हो रही है तो इस प्रकार से कटिंग कर सकते हो, और कटिंग नहीं करना है तो इसको इस प्रकार से कीजिए और इसकी सिलाई लगा दें। ये बिल्कुल ऊपर में बड़े टाँके से इसको सिल दे पहले। बिल्कुल किनारी को आप बुकरम और कपड़े को अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये इस प्रकार से कोना आता है वहाँ पर इसको कपड़े को इस प्रकार फोल्ड कर दीजिए। सीधा करके इस प्रकार से इसको जमा दीजिए पहले अच्छे से, फिर इसकी सिलाई करें। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार सिलेंगे और पूरे राउंड में इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ये सिलाई करने के बाद ये राउंड है, वहाँ पर आने के बाद इसको इस प्रकार कट कर दें। फिर सिलाई करें इसको, तो ये सलवार जो है वो नहीं पड़ेगा। और फिर सिलाई लगाएं। जितना चौड़ा बुकरम पट्टी है उतना ही आप कपड़े को रखें। और इसको इस प्रकार से कट लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से मुड़ जाए। सिलाई करते समय खास ध्यान रखें, ये जैसे इस प्रकार बुकरम को राउंड जगह राउंड के पास आपको इसको अटैच करना है तो इसको इस प्रकार से कट्स लगा देंगे। तो ये आपका जो बुकरम से सिलाई करना आसान हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये फोल्ड हो पाएगा जैसे कि आप देख रहे हो। हमने पूरा यहाँ
कट्स ऐसे लगाए हुए हैं। इसी प्रकार से पूरे बुकरम को पैक कर देना है। ये कोने के पास आप पहले इधर को फोल्ड कीजिए, फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। जैसे इसको पैक करने के बाद ये ज़्यादा बड़ा बड़ा है तो इसको कट कर दें इस प्रकार से, पूरे राउंड में कट करनी है इसको। ये जैसे कि हमने किया हुआ है ये इस प्रकार से कट करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको इसके बाद ये इसको सीधा इस तरफ लाएंगे। उससे पहले ये वाला किनारी है उसको सीधा करें ऐसे, और ये उल्टे साइड में सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। इसको इस प्रकार से बिल्कुल, ये बुकरम है जो हरी पट्टी उसका इस पार लगाना है हमको पीले वाले भाग में उल्टे तरफ। ये सिलाई आप पूरे राउंड में लगाइए इसको। ये पूरा सिलाई करने के बाद इसको निकाल दें और इसको सफाई से कट कर देंगे। ब्लाउज को सीधा करके इसको इस प्रकार से ऊपर की ओर कर देते हैं ऐसे। ये इसी प्रकार से इसको ले आएंगे ऊपर की ओर, ये सीधी तरफ, ये इस प्रकार से। हम इसको सीधा करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे में ये सिलाई लगानी है। ये इस प्रकार से इसको उलट करके सीधी तरफ सिलाई लगानी है। नीचे कपड़ा को हल्का सा इधर खींचते हुए
ये देखिए मित्रों, अब इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे ये किनारी में, ये पूरे राउंड में, यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से ये किनारी में सिलाई लगानी है। ये पीछे टक्स बनाएंगे, सिंगल टक्स आधा इंच पौन इंच के दबाव से, और सामने में एक टक्स लगाएंगे जो 1 इंच का रहेगा, लगभग 3.5 इंच के आसपास। इधर भी लगाएंगे हम इसी प्रकार से, ये ऐसे सामने से जो यहाँ से नापेंगे बटन पट्टी के पास से, तो 3.5-4 इंच के आसपास होना चाहिए। मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ, जो कि 1 इंच का दबाव लेकर के ऊपर 4 इंच 3.5 इंच के आसपास की हाइट में लेना है। ये जो सिंगल टक्स ब्लाउज है मित्रों, ये इस प्रकार से कि आप देख सकते हो एक बराबर टक्स है। अब इसमें हम स्लीव्स का डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए लगभग 2 इंच चौड़ा और जितना आपका ब्लाउज जो आस्तीन में आ जाए, ये इस प्रकार उतना लंबा कपड़ा लीजिए, ये इतना चौड़ा होना चाहिए। इसको इस प्रकार से फोल्ड कीजिए, इसको डबल फोल्ड करना है और इसको यहाँ पर लगानी है नीचे में, ये अंदर उल्टे साइड इसको सिलाई कीजिए। थोड़ा यहाँ से आगे ले लेते हैं। अब इसको ये वाला जो है सीधा हिस्सा, उसी तरफ इसमें पलट दीजिए इसको। ये आपका स्लीव्स में डिज़ाइन बन रहा है मित्रों, और यहाँ पर बिल्कुल किनारी में सिलाई लगा दें। अब इसमें ये सामने और पीछे इस प्रकार का पाइपिंग बनाएंगे, तो हम ये पीछे में इस प्रकार से लगा चुके हैं, इसको कैसे बनाना है वो बताते हैं। इसके लिए सेम इसी प्रकार से सीधा पट्टी लीजिए और इसको डबल फोल्ड कीजिए, और ये ऊपर में पूरी सिलाई लगानी है आधा इंच का दबाव लेते हुए। अब इस प्रकार सिलने के बाद ये वाला हिस्सा को इसको इस प्रकार से उलट देंगे, ये पीछे तरफ इसको सीधा रखें और इसको इस प्रकार से मोड़ देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये पूरे किनारे में सिलना है इसको। इस प्रकार हमारा ब्लाउज जो है मटका शेप नेक डिज़ाइन रेडी हुआ मित्रों। सामने आप साइड में आप चैन लगा सकते हो या बटन हुक आई पट्टी रख सकते हो, आपके ऊपर है। हमने इसमें कोई जरी वगैरह लेस वगैरह यूज़ नहीं किया है, ये प्लेन फैब्रिक से हमने प्रिंट फैब्रिक में इस प्रकार से डिज़ाइन करके कंबाइंड स्लीव्स के साथ, ये कंबाइंड स्लीव्स के साथ हमने ये डिज़ाइन तैयार किया है मित्रों, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों इस प्रकार से मटका शेप का एक नया लुक का ब्लाउज है। इसमें आप यहाँ लेस लगा सकते हो। मैंने ये सिंपल इस प्रकार से फिटिंग करके यहाँ पर पाइपिंग और ये सुंदर सा ब्लाउज, डिज़ाइनर ब्लाउज तैयार किया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद।